हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी को, जिसे 2019 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ओ रमोना। कहानी के स्टार्ट होते ही हम रमोना नाम की बंदी को देखते हैं, जो अपने स्कूल में बहुत ही पॉपुलर और फेमस थी। हर कोई लड़का उसकी बजाना चाहता था। एक दिन पार्टी चल रही थी और हमारा एक दूसरा करेक्टर, जिसका नाम एंड्री होता है, वो मन ही मन रमोना को अप्रोच करने के बारे में सोच रहा था। फिर उसका फ्रेंड सिल्वो उसके पास आकर कहता है, तुम्हें डायरेक्टली उसके पास जाकर उसे अप्रोच करना चाहिए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो है। फिर अलग अलग सब्सटेंस मिलाया हुआ सिगरेट वो उसे पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो रमोना के पास जाकर अजीब तरीके का डांस करने लगता है। इस अजीब तरीके का डांस देखकर रमोना भी उस पर तरस खाकर उसके साथ डांस करने लगती है। तभी एंड्री को सूसू आ जाता है। वो टॉयलेट में जाता है, लेकिन वो बहुत ही गंदा था। वो बाहर निकल ही रहा था, तभी उसके पीछे पीछे रमोना भी आ जाती है। अगर रमोना ने उस तरीके का टॉयलेट देखा तो उसे लगेगा ये एंड्री ने किया है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं जाने देता। लेकिन कोई दूसरा बंदा अंदर चला जाता है और वो इसका सारा ब्लेम एंड्री पर ही डालता है। पूरा स्कूल उसका बहुत मजाक उड़ाता है। रमोना के साथ उसकी फर्स्ट डेट ही खराब हो जाती है। वो इस सब के बारे में अपनी मॉम से एडवाइस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। फिर अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ वो फिर से पार्टी में आता है। रमोना और उसकी फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, एंड्री तुम्हें बहुत ही लाइक करता है। उन्हें नहीं लगता एंड्री का किसी भी लड़की के साथ एक्सपीरियंस है। रमोना इसे एक चैलेंज की तरह लेकर डिसाइड करती है, आज एंड्री की रात वो रंगीन करेगी। एंड्री के फ्रेंड भी उसे अप्रोच करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो रमोना के पास जाकर डांस करने लगता है और रमोना भी उसे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स देती है। रमोना उसे एक रूम में लेकर जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है तुम मुझसे काफ़ी टाइम से प्यार करते हो। रमोना को ये बात बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर रमोना उसके साथ टपा टप करना चाहती थी, लेकिन एंड्री कहता है, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे एक रिलेशनशिप चाहता हूँ। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। हर कोई रमोना के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता था, लेकिन एंड्री से ऐसा रिजेक्शन मिलने के बाद वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। एंड्री ने जो भी किया इस बात को लेकर सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगली सुबह उसके फ्रेंड भी उस पर अपसेट हो जाते हैं। वो अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं, अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी इस तरीके का चांस मिले तो तुम्हें उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। लाइफ में ये एक ही चीज़ है जो सबको चाहिए। उसका एक और फ्रेंड था जिसका नाम सिल्वो था। वो कहता है, तुमने अच्छा किया, तुम्हें अपने दिल की सुनना चाहिए। अगले दिन सिल्वो ही रमोना को प्रपोज कर देता है। रमोना भी एंड्री से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। उन दोनों को हमेशा साथ में देखकर एंड्री को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन एंड्री सिल्वो को समझाने लगता है। वो कहता है, रमोना को मैंने रिजेक्ट किया, शायद इसलिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना चाहिए और रमोना से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सिल्वो उसकी बात पर बहुत हंसता है। फिर वो एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं हैंडसम हूँ? रमोना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। फिर रमोना वहाँ आकर कहती है, सिल्वो को मैं हमेशा से लाइक करती थी। और फिर वो उससे झूठ कहती है, एंड्री मुझे हमेशा रात को मैसेज करता है। सिल्वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एंड्री को बहुत मारता है। एंड्री घर पर आकर अपनी मॉम को सारी बात बताता है। उसकी मॉम कहती है, रमोना एक्चुअल में तुम्हारी केयर करती होगी, इसलिए वो तुमसे अपसेट है, तुम्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है। और फिर उसकी मॉम उसे हॉलीडे पर लेकर जाती है। वहाँ पर एंड्री चेक इन करते हुए देखता है, वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसका नाम एनिमोना होता है। एंड्री एनिमोना के बारे में बारटेंडर से पूछता है। बारटेंडर कहता है, वो एडल्ट वीडियो बनाती है, उसे अप्रोच मत करना। एंड्री को वो बहुत अच्छी लगी थी और वो उससे इंट्रोडक्शन चाहता था। फिर बारटेंडर एनिमोना को आवाज़ लगा कर कहता है, एंड्री तुम्हें लाइक करता है। फिर एंड्री उसके पास जाकर कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। वो बहुत ही अजीब तरीके से उससे बात कर रहा था, तो एनिमोना को हंसी आ जाती है। एंड्री को लगता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एनिमोना कहती है, हम रात में बीच पर वॉक के लिए जा सकते हैं। ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों बीच पर घूम रहे थे। तब एंड्री कहता है, वो बारटेंडर तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। एनिमोना कहती है, वो मुझे लाइक करता है, मैंने उसे मना कर दिया, इसलिए वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है।
फिर ये काफी सारी बातें करते हैं और ये एक दूसरे की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। एनिमोना फिर उसे बता देती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। एंड्री कहता है, हमारी डेट बहुत अच्छी थी लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुई है। यहाँ सब कुछ परफेक्ट है, अच्छी मूनलाइट है, एक किस तो बनता है। एनिमोना कहती है, मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तुम्हें मेरे लिए गाना तो पड़ेगा। एंड्री उसके लिए डांस करता है और गाना गाता है। फिर ये दोनों किस कर लेते हैं। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आती है और फिर उसकी रात रंगीन यानी टपाटप करती है। अगली सुबह एंड्री की मॉम आकर कहती है, आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। रात की वजह से एंड्री काफ़ी खुश था। वो एनिमोना को अपनी मॉम से मिलवाना चाहता है, लेकिन जब वो अपनी मॉम को रिसेप्शन पर लेकर पहुँचा तब उसकी जगह पर कोई और था। एंड्री बाहर आकर एनिमोना को ढूंढ रहा था, वो बाहर उसे मिल जाती है। एनिमोना एंड्री से कहती है, कल रात मेरे रूम से निकलते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया था, ये होटल की पॉलिसी के खिलाफ है और इसी की वजह से मुझे जॉब से निकाल दिया गया, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। एंड्री कहता है, प्लीज इस टाउन से मत जाओ। एनिमोना कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और हमारी ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती। घर जाते हुए वो बहुत ही अपसेट था, तभी उसे रमोना का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी। जब वो उसके पास आता है तब वो देखता है रमोना के फेस पर चोट है, उसके और सिल्वो के बीच फाइट हुई थी जिसमें सिल्वो ने उसे मारा था। एंड्री कहता है, अब मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन रमोना उसकी बात नहीं मानती। एंड्री के पास एनिमोना का नंबर भी नहीं था। रमोना उसका मजाक उड़ाती है और उससे कहती है, तुम्हें कहाँ गर्लफ्रेंड मिलने वाली है। एंड्री गुस्से में कहता है, तुम इस तरीके से मुझे चिढ़ाती रहती हो, मुझे बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएंगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रमोना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन रमोना ने पूरे क्लास को बता दिया एंड्री ने उसे मारा है। सब लोग उसे बहुत ही अपसेट थे। वो घर आकर एनिमोना को बहुत मिस कर रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम्हें एनिमोना को कांटेक्ट करना चाहिए। फिर एंड्री को आइडिया आता है, शायद वो इंस्टा पर उसे मिल जाएगी। वो उसे सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलती लेकिन फिर भी वो होटल से कॉल करके उसका नंबर ले लेता है। वो उसे कॉल करता है और कहता है, मैं तुम्हारी सिटी में आ रहा हूँ और रात में हम एक डेट के लिए जाएंगे। एनिमोना इसके लिए मान जाती है। फिर रात में ये लोग एक क्लब में डांस के लिए जाते हैं। ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं और वहीं पर बाथरूम में ये लोग टपाटप करते हैं। क्लब का बाउंसर एंड्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं एनिमोना उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। फिर एंड्री कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में कब बताने वाली हो। एनिमोना कहती है, हम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही रिच है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। एंड्री को इस बात से बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो क्लास में अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर सभी लोग उन्हें अजीब सा लुक दे रहे हैं। फिर दो लड़कियाँ आकर उनसे कहती हैं, हमें पता चला है तुम दोनों गे हो। एंड्री ने रमोना का बॉयफ्रेंड बनने से मना किया था तो रमोना ने ही ये रूमर उसके खिलाफ फैलाई थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपनी स्टोरी सब लोगों को बताना चाहता था लेकिन कोई भी उस पर बिलीव नहीं करेगा। स्कूल में उसकी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम कार्ला था, वो उसकी हर बात सुन लेती थी। ये दोनों बातें करते हुए बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे। फिर ये दोनों टपाटप करते हैं लेकिन इस बार एंड्री कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन एंड्री का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है, अब हम दोनों दोस्त नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो सब लोगों को लगता है मैं गे हूँ, टाउन की सारी लड़कियों को ये बात पता चल गई है। एंड्री इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, अब वो सारी लड़कियों से बदला लेगा। वो रमोना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का मिशन बना लेता है। वो न्यू हेयर स्टाइल कराता है और जिम में जाता है और अच्छी अच्छी फोटोज इंस्टा पर डालता है। इस मेकओवर के बाद सभी लड़कियों को वो बहुत अच्छा लग रहा था तो रमोना भी उसके पास आ जाती है। वो रमोना से कहता है, तुम अभी भी मुझे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। रमोना कहती है, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। एंड्री कहता है, आपको उसमें बहुत अच्छा लग रहा हूँ, चलो आज रात हम मूवी देखते हैं। रमोना भी इस बात के लिए मान जाती है। फिर ये दोनों किस कर लेते हैं और अब जब भी ये दोनों मिलते थे तब इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगी थीं। एक दिन एंड्री कार्ला के पास आता है, उसे बुरा ना लगे वो इस तरीके से उसे समझा रहा था लेकिन कार्ला ही एंड्री को फ्रेंड जोन कर देती है। सिल्वो ने एंड्री के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था तो सिल्वो से बदला लेने के लिए वो कार्ला को सिल्वो के नाम से एक गिफ्ट भेज देता है। कार्ला ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये वैलेंटाइन डे का दिन था तो वो उसे डायरेक्टली जाकर कहती है, आज से हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। सिल्वो सरप्राइज होकर उसे मना करता है लेकिन कार्ला गुस्सा होकर कहती है, फर्स्ट एक्सपीरियंस तो तुम्हारा मेरे साथ ही था और तुम मुझे इस तरीके से कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। और गुस्से में वो उसे मारती है। सिल्वो की रेपुटेशन पूरे स्कूल में ख़राब हो जाती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं एंड्री आज रात रमोना को डेट पर आने के लिए कहता है।
फिर वो दोनों एक लाइट हाउस पर जाते हैं। एंडी रमोना से कहता है, जब भी मुझे अकेला फील होता है तब मैं यहीं पर आ जाता हूँ। यहाँ से जिस तरीके का व्यू दिख रहा है उसी तरीके से मैं हमेशा तुम्हें देखता हूँ। पूरे वर्ल्ड से मैं तुम्हें ऊपर समझता हूँ। रमोना को उसकी ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। रमोना कहती है, जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करते हो, केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, इस तरीके की रिलेशनशिप मेरी कभी नहीं थी। मैं हमेशा के लिए यही चाहती थी। एंड्री कहता है, चलो तुम्हारे घर पर चलते हैं। रमोना को थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। उसे लगता है हर कोई लड़का बस यही चाहता है। घर जाने के बाद ये दोनों टपाटप करने लगते हैं, लेकिन एंड्री कहता है, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। रमोना इस बात पर गुस्सा होकर जबरदस्ती उसके साथ टपाटप करती है। इसके बाद इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन एक दिन सडनली एंड्री के पास एनीमोना का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे टाउन में हूँ और एक घंटे बाद मुझे आकर पिक करना। एंड्री एकदम नर्वस हो गया। वो रमोना से कहता है, मुझे जाना पड़ेगा। उसे कोई भी एक्सक्यूज समझ में नहीं आ रहा था। रमोना को लगता है एंड्री को शायद टॉयलेट जाना है। इसके बाद अगले सीन में एंड्री एनीमोना को पिक करने के लिए आता है। ये दोनों मिलते ही किस कर लेते हैं। उनके आसपास सारे लोग डांस कर रहे थे। इसके बाद एंड्री एनीमोना को अपने घर पर लेकर आ जाता है। एंड्री की मॉम उसके बचपन की सारी फोटोज, अलग अलग स्टोरीज, सब कुछ एनीमोना को बताती हैं। अगले ही मोमेंट पर उसे रमोना का कॉल आ जाता है। वो उस पर गुस्सा थी क्योंकि एंड्री उसे मिलने के लिए नहीं गया था। एंड्री कहता है, मुझे थोड़ा काम आ गया है। रमोना कहती, आज रात आते टाइम मेरे लिए फूल लेकर आना तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। एंड्री कहता है, लेकिन आज रात मैं नहीं आ सकता, मुझे अपनी कज़न के साथ जाना है। रमोना उसे आज रात मिलने के लिए फोर्स कर रही थी। एंड्री कहता है, अभी अभी हम दोनों रिलेशनशिप में आए हैं और तुम मुझे इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकती। वो गुस्से में कॉल कट कर देता है और अब वो बहुत ही कंफ्यूज था कि उसे रमोना के साथ रहना चाहिए या एनीमोना के। ये सारी सिचुएशन वो अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम भी उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। वो कहती है, अगर तुम रमोना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो एनीमोना का ख्याल भी तुम्हारे मन में नहीं आता। वो डिसाइड कर लेता है वो रमोना के साथ ब्रेकअप कर लेगा और एनीमोना के पास आ गया और ये दोनों टपाटप करते हैं। फिर आधी रात को रमोना उसके घर पर आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है, लेकिन एंड्री उसे मना करता है। वो उसे कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी सालों से लाइक करता हूँ, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया है मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुमने मुझे हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया है, तुम मुझे हमेशा से नचाती रही हो। इस तरीके की रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकता। रमोना कहती है, प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन एंड्री उसकी कोई भी बात नहीं मानता। बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी साल गुजर चुके हैं। एंड्री ने एक बुक लिखी थी और वो बहुत ही रिच बन गया है। इतने सालों तक एनीमोना के साथ उसकी रिलेशनशिप सक्सेसफुल रही थी। वो उसके साथ बहुत ही खुश था। काफ़ी सालों के बाद उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आ रहा था। वो उसे मिलने के लिए चला जाता है। सारे लोग उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, तभी रमोना उसके पास आ जाती है। वो कहती है, हम कभी कॉन्टैक्ट में नहीं रहे। एंड्री को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। रमोना कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में सोचती हुई आ रही हूँ। वो फिर से उसके करीब आने लग गई थी, लेकिन एंड्री वहाँ से उठकर चला जाता है। रमोना उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, अब मैं बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ एंगेज्ड हूँ, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। उस बिजनेसमैन के साथ उसकी रिलेशनशिप कितनी परफेक्ट है, ये सब वो एंड्री को बता रही थी। लेकिन एंड्री एनीमोना को मैसेज कर रहा था। रमोना इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करने लगती है। एंड्री फिर उसे स्टॉप कर देता है। फिर वो रोने लग जाती है। वो कहती है, मेरे फियांसे के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद सच्चा प्यार करने वाला मुझे कोई नहीं मिला। एंड्री को उस पर तरस आ रहा था, तो रमोना उसके साथ ज़बरदस्ती टपाटप करना चाहती थी। वो उसे रोक नहीं पाता। बाद में एंड्री को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी लगता है। वो एक फ्रेंड के पास आकर उसे सारी सिचुएशन बता देता है। उससे पूछता है, क्या मुझे ये सारी बात एनीमोना को बता देनी चाहिए? उसका फ्रेंड उससे कहता है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया तो गुस्से में उसने मेरे पेट को मार दिया। सच बताने से कोई भी फायदा नहीं होगा। एंडी उसकी बात मान लेता है। जब वो घर पर आया तब वो देखता है एनीमोना वहाँ से चली गई थी। एंडी को रमोना का मैसेज आता है। वो कहती है, मैंने एनीमोना को सब कुछ बता दिया है, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो
तो मैं तुम्हें किसी और के साथ भी खुश नहीं रहने दूंगी। एंड्री बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया और अचानक से उसे खुद की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसे फ्यूचर से आ रही थी। वो आवाज़ उसे कहती है, तुम्हारी एंडिंग इस तरीके से नहीं हो सकती, हम पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड्री विश करता है, शायद मैंने कभी रमोना को अप्रोच ही नहीं किया होता। वो फिर डायरेक्टली अपने स्कूल के दिनों में पहुंच गया। सिल्वो जब उसे कह रहा था तुम्हें रमोना को अप्रोच करना चाहिए, वो तभी उसे पंच कर देता है। अब उसकी रिलेशनशिप एनिमोना के साथ होगी और उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा, सब कुछ परफेक्ट होगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।